हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला आप अपने थीम स्टोर के जितने भी पेड थीम्स है वो फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 5 मिनट का ट्रायल का जो इश्यू है वो देखने नहीं मिलेगा, मतलब आप बिंदास कोई भी जो पेड थीम है वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंटली। और फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है आपको सिर्फ रियलमी और ओप्पो के डिवाइस में देखने मिल जाता है, मतलब इन दोनों के जो थीम स्टोर में आपको सभी जो थीम्स है वो पेड दिखाई देंगे। मतलब फ्री वाले भी है पर वो इतने कुछ खास नहीं है, बाकी सभी जो है वो पेड है, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, रेडमी की बात करें तो रेडमी तो यहाँ पर मतलब सभी के सभी जो थीम्स है वो फ्री में दे देता है, और अगर पेड भी रहेगा तो एड्स देख के उन थीम्स को फ्री कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कोई भी थीम रहने दो, तो यहाँ पर टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर रियलमी और ओप्पो में आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो आपको डायरेक्ट परचेस ही करना पड़ता है। पर आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते तो आप डेफिनेटली मतलब कोई भी पेड थीम रहने दो आप फ्री में यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको थीम स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको सर्च करना है फ्री। तो फ्री सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने बहुत सारे फ्री थीम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक थीम ले लेता हूँ, जैसे कि फ्रीडम, ये एक थीम है जो कि फ्री थीम है, आप देख सकते हैं डाउनलोड फॉर फ्री। तो इस थीम को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको भी सेम करना है, डाउनलोड कर लेना है, और हाँ, यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड ही कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और कोई भी एक पेड थीम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड थीम है, तो मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, तो यहाँ पर मैं iOS वाले थीम डाउनलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ थीम्स में और यहाँ पर सर्च करता हूँ iOS वाली थीम कौन सी है, क्या है ज़बरदस्त वाली। तो आप देख सकते हैं कलर एक्स लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नाम है कलर एक्स। तो इस थीम को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 68 रुपीज़ इसकी प्राइस है ये थीम की। तो यहाँ पर ट्राइमी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ट्राइमी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये थीम डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्ट अप्लाई भी हो रही है थीम डायरेक्ट, तो अप्लाई होने देना है। तो अप्लाई हो गई ये थीम, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आई मोड प्रो एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है और अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपडेट करने बोलेगा ये एप्लीकेशन, तो अपडेट नहीं करना है आपको। और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देगी यहाँ पर कॉर्नर में, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको सर्च करना है माई थीम स्टोर। तो माई थीम स्टोर यहाँ पर रहेगा, आप देख सकते हैं माई थीम स्टोर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला पूरा जो सेक्शन है आ जाएगा, मतलब आपके फ़ोन में कितने जो थीम है वो डाउनलोड है। तो ये तो डिफॉल्ट वाले और ये दो हमने डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पर इस थीम को आपको कुछ करना नहीं है, मतलब कलर्स एक्स जो पेड थीम है उसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है अभी। आपको सिंपली जो फ्रीडम थीम है जो आपने डाउनलोड की है फ्री वाली थीम, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट यू आई डी यहाँ पर आ रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नेम सेट कर लेना है। तो यार इस थीम का जो नाम है मैं वही रख देता हूँ फ्रीडम। तो ऐड यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मतलब जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर हो गया ऐड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ माय पैच लिस्ट, आप देख सकते हैं ये थीम ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस आपको जाना है माय थीम स्टोर में और आपकी जो थीम है वो यहाँ पर कभी कभी इमेज नहीं शो होता है, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना। भी आपको क्या करना है, आपको पेड थीम जो है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और आप देख सकते हैं रिट्रीव थीम, तो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको जो माई थीम ऑप्शन मतलब जो नाम है वो आपको आपके हिसाब से रख देना है। जैसे कि मैं एस जी रख देता हूँ माई थीम एस जी, क्योंकि जो हमारे चैनल का नाम है वो टेक एस जी है। तो यहाँ पर रिट्रीव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये होने के बाद आप देख सकते हैं यस प्लीज़, और ये थीम ऐड हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इस थीम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको जो पैच का जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो फ्रीडम वाली थीम है जो अभी हमने जस्ट सेव किया था उसका नाम, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, पैच हो जाएगा ये थीम। तो ये होने के बाद आपको होम प्रेस कर देना है और आपको है ना जो थीम स्टोर का जो डेटा है वो क्लियर कर देना है। तो ऐप इन्फो में जाके स्टोरेज यूज और यहाँ पर डेटा जो है वो क्लियर कर देना है। तो हो गया डेटा क्लियर। डेटा क्लियर होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फाइल मैनेजर में, यहाँ पर फोन स्टोरेज में जाना है आपको, और फोन स्टोरेज में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो कलर वाइज जो फोल्डर है वो आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो पासवर्ड सेट किया है तो ये इनपुट करके अनलॉक। तो जो कलर वाइज का फोल्डर है वो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है आई मोड जो फोल्डर है उसमें, तो क्रिएट हो गया होगा।
तो आपको ढूंढना, आप देख सकते हैं आई मोड जो है वो जो फोल्डर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। माई थीम्स आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जो हमने सेव की थी जो थीम है वो यहाँ पर आ गई है। आप देख सकते हैं माई थीम SG, तो इस नाम से हमने सेट करके रखी थी वो थीम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव होगी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, तो कभी कभी एरर आ जाता है, आपको एक बार वापस ओपन कर लेना है। तो ये कुछ थीम आ गई। इसके बाद आपको ट्राई मी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये थीम अप्लाइंग होना चालू हो जाएगा। तो ये थीम अप्लाई हो गया और आप देख सकते हैं 5 मिनट ट्रायल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस फिर से फाइल मैनेजर में और यहाँ पर फोन स्टोरेज में जाना है और आपको कलर वाइज जो फोल्डर है वापस डिलीट कर लेना है। तो ये डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर आपको होम प्रेस कर देना है और आपको जाना है वापस फिर से थीम स्टोर में। तो यहाँ पर एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, तो साइन इन नहीं करेगा तो भी चलेगा। और यहाँ पर हम वापस फ्री सर्च करते हैं, आपको भी सेम फ्री सर्च कर देना है। और आपने जो फर्स्ट थीम डाउनलोड कर रही थी फ्रीडम, जैसे कि हमने डाउनलोड कर ली थी, आप देख सकते हैं जो फ्री वाली थीम है इसको डाउनलोड कर लेना है। इस अभी भी आपको डाउनलोड ही करना है, अप्लाई नहीं करना, ध्यान में रखिए, नहीं तो गाली दोगे आप। तो डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं जो थीम है। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना, होम प्रेस कर देना है और रिसेंट में जितने भी एप्लीकेशन है वो सब उड़ा देना और एक बार जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट कर लेना। तो मैं आपके सामने फ़ोन रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो फोन रिस्टार्ट हो रहा है, फोन रिस्टार्ट हो रहा है। तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई 20K सब्सक्राइबर हमारे जल्द से जल्द हो रहे, मतलब होने वाले हैं, तो उसके लिए सपोर्ट ज़रूरी है आपका, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो मेथड है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है भाई, तुम्हारे भाई के ऊपर भरोसा रखो, आप शॉक हो जाओगे कि भाई ये मेथड कैसे वर्क कर रहा है। और अगर वर्क कर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि भाई तुम्हारा जो मेथड है वो वर्क कर रहा है सही में। क्या करें भाई, मतलब रेडमी वाले फ्री में थीम दे रहे और ये देखो मतलब पैसे लेके थीम दे रहे, इसके लिए मतलब घी अगर सीधा उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, आप बोलते हैं ना जो डायलॉग है वो सुना होगा आपने। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ये थीम अप्लाई हो गए, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थीम स्टोर में जाके। तो यहाँ पर थीम स्टोर में जाते, एग्री मी और माई रिसोर्स में जा, और आप देख सकते हो जो हमारी थीम है वो कौन सी अप्लाई आप खुद देख सकते हैं फ्रीडम वाली। तो थीम स्टोर का क्या लग रहा है, अभी भी हम जो फ्री वाली जो थीम है फ्रीडम वही यूज़ कर रहे हैं, पर असली में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो पेड वाली थीम है वो यूज़ कर रहे हैं पैच करके, आप देख सकते हैं। और जो 5 मिनट का ट्रायल भी नहीं आएगा आपको, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, आप चाहो मतलब 1 साल यूज़ करो इस थीम को, परमानेंटली आप बोल सकते हैं अप्लाई किए वो थीम को, पेड वाली थीम को। और अगर आप डिफॉल्ट थीम में जाना है तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं, पर आप देख सकते हैं जो फ्रीडम वाली थीम है वो यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन यूज़। तो थीम स्टोर को ऐसे ही लग रहा है कि फ्री वाला थीम यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ। ऐसे ही सभी जो पेड थीम से वो यूज़ कर सकते हैं परमानेंटली फ्री में। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर। तो बस फ्रेंड इतना ही, वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मैं वापस बता रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें वो गोल अचीव कर लेना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट।